हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। दिस इज आवर इंग्लिश वर्कशीट नंबर 32 व्हिच इज टू बी डन ऑन 17 सितंबर 2020। तो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज स्टोरी राइटिंग। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट योर फोर कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग व्हिच आर कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, you have also to follow sequencing which is also called timeline। students, जैसा कि आप movies में देखते हैं कि जो hero होता है उसे starting में बच्चा दिखाते हैं, फिर और बड़ा होता है और ऐसे उसकी एज बढ़ते हुए दिखाते हैं। ऐसे तो नहीं दिखाते ना कि पहले वो बड़ा दिखा रहा है बाद में बच्चा हो गया। तो यही है हमारी जो sequencing कि हमें story को ऐसे sequence में रखना है कि वो हमें कटी कटी नजर नहीं आए। तो स्टूडेंट्स, आपकी आज की स्टोरी में कुछ क्लूज दिए गए हैं, जैसे कि कोई इंसिडेंट है उसको देखते हुए आपको स्टोरी डेवलप करनी है। जैसे देखिए, हम पहली स्टोरी के क्लूज पढ़ते हैं। कैरेक्टर्स, इसमें कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं राहुल एंड हिज फ्रेंड्स। सेटिंग, सेटिंग कहाँ है हमारी? रिवर साइड। प्रॉब्लम, वन फ्रेंड गोज मिसिंग। सॉल्यूशन, कॉन्टेक्ट पीपल एंड सर्च। तो स्टूडेंट्स, इन क्लूज के बेस पे हम एक स्टोरी बनानी है। आइए एक बार हम इनको पहले रीड कर लेते हैं। सुनील एंड हिज फ्रेंड्स पिकनिक टेक अ बस, कि जैसे कि पिकनिक पे वो जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं। थ्रू द हिल्स रीच द रिवर, और रिवर जो है वो उनकी पिकनिक स्पॉट है। ब्यूटीफुल फॉरेस्ट अराउंड, दे सेट अप फूड स्विम इन द रिवर, वहां पे वो फूड अपना लेते हैं और फिर रिवर में स्विमिंग की वो प्लानिंग करते हैं। गो टू फाइंड फ्रूट्स फ्रॉम जंगल, और जैसे ही वो घूमने के बाद, स्विमिंग करने के बाद उन्हें बेटा याद आता है कि हम कहीं जंगल है पास में, तो फ्रूट्स ले लेते हैं। वो फ्रूट्स लेने जाते हैं। वन फ्रेंड मिसिंग, और कोई एक उनका फ्रेंड मिस हो जाता है। मेक सर्च पार्टी, सर्च पार्टी होते हैं कि जैसे वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं कि पार्टीज में उनको इधर उधर ढूंढने लगते हैं। कॉन्टेक्ट पुलिस, पंचायत, या फिर वो पुलिस से कॉन्टेक्ट करते हैं। सर्च विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स, और बड़ों की भी हेल्प लेके अपने उस फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड गोट लॉस्ट इन जंगल, और जो फ्रेंड था वो उनका जंगल में गुम हो गया था। फाउंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, और जंगल में वो घूमता घूमता दूसरी साइड चला गया। गोट हेल्प फ्रॉम ट्राइबल विलेज ही रीच्ड, और ट्राइबल विलेज में जो लोग रहते हैं उन्होंने उनकी हेल्प की और उनको वापिस पहुंचाया। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव अप एन एप्रोप्रिएट टाइटल। तो यू कैन गिव द टाइटल ऑफ एन अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट। अगर आपके मन में कोई और अच्छा सा टाइटल आ रहा है तो स्टूडेंट्स आप वो भी इसको दे सकते हैं। लेट्स स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी। वंस सुनील एंड हिज फ्रेंड्स, सुनील का नाम तो बेटा आपको दिया हुआ है। फ्रेंड्स का नाम हमें फ्रीडम है, हम कुछ भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स रमेश, राम, अमित एंड विनीत went for a picnic, वो सारे एक पिकनिक के लिए जाते हैं। They took a bus, बेटा जो मैंने underline कर रखे हैं ये वो हैं जो हमें clues दिए हुए हैं। Clues का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ fill-ups भर भर के उनको ऐसे ही लिख दें, बेटा हमें पूरा sentence create करना होता है। और most important बात जो story writing में है, that is we have to write in past tense, okay students, we have to write in past tense। They took a bus टू रीच द वेन्यू, वेन्यू जाने के लिए वो एक बस लेते हैं। दे पास्ट थ्रू द हिल्स, ये बेटा उसमें आपको क्लू दिया हुआ है, पहाड़ी से होते हुए वो जाते हैं। देन दे रीच्ड द पिकनिक स्पॉट, अपने पिकनिक स्पॉट जो कि उनका एक रिवर के पास था वहां पर वो पहुंच जाते हैं। देयर दे विजिट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में घूमते हैं। एंजॉयड द नेचुरल सीनरी, क्योंकि वो जब रिवर फॉरेस्ट के पास में जा रहे हैं तो नेचुरल ब्यूटीफुल सीनरी को वो एंजॉय करते हैं। Then they ate the food, फिर वो अपना जो food साथ में ले गए थे वो लेते हैं। And get ready to swim, ये बेटा clues आपको दिए हुए हैं कुछ जो मैंने underline कर रखे हैं। फिर वो swimming के बाद, then Rahul and Vinit, two friends, Rahul and Vinit went to bring some fresh fruits, वो उन सब के लिए कुछ fresh fruits लाने के लिए जाते हैं जंगल से। But now their problem starts, यहाँ पे any incident है, setting भी हो गई है, हमें characters भी मिल गए हैं, सेटिंग भी हो गई है। नाउ थर्ड पार्ट जो हमारा है स्टोरी राइटिंग का प्रॉब्लम, वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। दे वेंट इन टू द डिफरेंट डायरेक्शंस, जो दोनों फ्रेंड ढूंढने जाते हैं फ्रूट्स, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। गोट लॉस्ट, और एक दूसरे से पिछड़ जाते हैं। देन राहुल केम बैक टू हिज फ्रेंड्स एंड आस्क्ड अबाउट विनीत,
फिर राहुल जहाँ पे बाकी फ्रेंड्स थे वहीं पे आता है और विनीत के बारे में पूछता है, बट दे टोल्ड दैट विनीत डिड नॉट रिटर्न। तो उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि विनीत तो आया ही नहीं। देन दे मेड सर्च। अब यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट शुरू हो गया है बेटा, सोल्यूशन की। अब जो प्रॉब्लम आई है कि उनका एक फ्रेंड मिस हो गया है, उसको वो सर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा फोर्थ पार्ट इसका स्टार्ट हो गया है। दे मेड सर्च पार्टी। अब वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और उसको एंड ट्राइड टू सर्च विनीत, और विनीत को ढूंढने की कोशिश में। ओके स्टूडेंट्स, देन दे ऑल्सो इन्फॉर्म द पुलिस साइड बाय साइड। वे अपने आप भी पार्टी बना के सर्च करते हैं, बट जैसा कि हमें वहां पे मिला था कि टुक हेल्प पुलिस की, पुलिस से भी हेल्प लेते हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। देन दे रीच टू द नियर बाय ट्राइबल विलेज, और फिर वो जो पास वाला गांव है, ट्राइबल विलेज है, वहां पर ढूंढते ढूंढते उसको जाते हैं एंड आस्क फॉर हेल्प, और वहां पर जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनसे हेल्प मांगते हैं। देन अ ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल हैड अराइव्ड, और उसी के साथ वो देखते हैं कि एक जो ग्रुप है लोगों का, ट्राइबल वाले, ट्राइबल होते हैं बेटा कबीले वाले लोग, उनको वहां पर पहुंचते हैं विद विनीत, और उनके साथ में विनीत भी होता है। ऑल द फ्रेंड्स फेल्ट वेरी हैप्पी, जो फ्रेंड्स होते हैं बड़ा हैप्पी फील करते हैं। विनीत टोल्ड दैट ही वेंट बिहाइंड अ ट्राइबल हंटर एंड गॉट लॉस्ट, और विनीत बताता है कि वो एक ट्राइबल मैन जो हंटर था उसका पीछा करते हुए चला गया और इस तरीके से वो गुम हो गया। देन दे वेंट होम हैप्पीली। स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन मेक अ राइट कंस्ट्रक्ट अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी वेरी इजिली। इन द नेक्स्ट स्टोरी, इन द सेकेंड पार्ट, you have given a picture. Students, you have to do the second part by yourself so that your writing skill can be enhanced. So try to write in very small sentences. Who are beginners, it can be very helpful to you. Okay students, we'll meet in the next video. Thank you.